सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम आपके लिए टेक न्यूज़ लेके आ गए। हमने आप लोगों से पूछा था कि हमें इस चैनल पे टेक न्यूज़ लेके आनी चाहिए नहीं, और आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया। ज़्यादातर लोगों ने बोला कि हमें टेक न्यूज़ लेके आनी चाहिए। सो हम टेक न्यूज़ लेके आ गए। ये हमारी पहली टेक न्यूज़ होने वाली है इस चैनल पे। सो चलिए टेक न्यूज़ की शुरुआत कर लेते। पहली न्यूज़ हमारी आ रही है ओप्पो की तरफ से। तो ओप्पो का नया स्मार्टफोन ओप्पो K9 5G लॉन्च होने से पहले इसके लीक्स आ गए हैं। अगर कुछ लीक्स की बात करें तो इसमें आपको क्वालकॉम की तरफ से आने वाला क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 768G प्रोसेसर मिलने वाला है। अगर कुछ रैम वेरिएंट की बात करें तो इसमें आपको 8GB 128GB का ऑप्शन मिल जाएगा, 8GB और 256GB का ऑप्शन भी मिलने वाला है। अगर वायरलेस चार्जिंग की बात करें तो इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलेगा, इसमें आपको 65W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलने वाला है। दो कलर ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ब्लैक एंड व्हाइट। और ये लॉन्च होने वाला है मई 6 को 12:30 बजे इंडियन टाइम पे। और अगर इसके साथ कुछ और प्रोडक्ट की बात करें तो इसके साथ हमें TWS ईयरफोन्स भी मिलने वाले हैं, और साथ में स्मार्ट बैंड भी ओप्पो लॉन्च करने वाला है। इसकी डिटेल्स अभी तक कोई निकल के नहीं आई है, जैसे ही लीक्स निकल के आती है हम आपको जरूर बता देंगे। और कैमरे की बात करें तो इसमें आपको मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का देखने को मिलने वाला है। इसमें आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलने वाला है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली टेक न्यूज़ की तरफ। तो अगली टेक न्यूज़ हमारी आ रही है ASUS की तरफ से। तो ASUS का नया लैपटॉप ASUS ExpertBook B9 लॉन्च हो गया है। अगर कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें आपको 14 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिल जाएगी, 16:9 का एस्पेक्ट रेशियो दिया हुआ है। अगर प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको दो वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, i5 11th generation और i7 11th generation के साथ आने वाला है। इसमें आपको 8GB और 16GB रैम का ऑप्शन भी मिलने वाला है। इसमें आपको LPDDR4X रैम मिलने वाली है। अगर कुछ और पोर्ट्स वगैरह की बात करें तो इसमें आपको थंडरबोल्ट 4 के दो पोर्ट मिल जाएंगे, USB 3.2 के पोर्ट दिए, HDMI के पोर्ट दिए, ऑडियो का भी इसमें आपको 3.5mm पोर्ट देखने को मिल जाता है। Wi-Fi 6 के साथ आने वाला है, ब्लूटूथ वर्जन 5 भी इसमें आपको देखने को मिलने वाला है। अगर कुछ और स्पीकर्स वगैरह की बात करें तो इसमें आपको हार्मन कार्डन के स्पीकर्स मिलने वाले, सो इससे आपको काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी भी मिलने वाली है। अगर इसके प्राइसिंग वगैरह की बात करें तो इसका प्राइस शुरू होने वाला है 1,15,498 रुपये से। अगर चार्जिंग की बात करें तो इसमें आपको 65W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, USB Type-C का सपोर्ट भी दिया हो, और इसको आप 49 मिनट में 60% तक चार्ज कर सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली टेक न्यूज़ की तरफ। तो अगली टेक न्यूज़ आ रही है हमारी MI की तरफ से। तो MI का नया TV MI QLED TV 75 इंच का इन्होंने लॉन्च कर दिया था। इसको पहले इन्होंने 55 इंच में दिसंबर में लॉन्च किया था, अब इन्होंने इसको 75 इंच में भी लॉन्च कर दिया। अगर इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 75 इंच QLED स्क्रीन देखने को मिलने वाली, 97% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल जाएगा, 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। इसमें आपको डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट मिलने वाला है, HDR10+ का सपोर्ट मिलेगा, HDR10 का भी इसमें आपको सपोर्ट मिलने वाला है। 30W के इसमें आपको 6 स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, जो हमारे डॉल्बी ऑडियो और DTS HD फॉर्मेट को भी सपोर्ट करने वाले हैं। अगर कुछ और स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इसमें आपको पैच वॉल देखने को मिल जाता है, Xiaomi का पैच वॉल आता है स्क्रीन के टीवी में, वो मिलने वाला है। एंड्रॉइड TV होने वाला है, इसमें आपको 2GB रैम और 32GB का इंटरनल स्टोरेज भी मिल जाएगा, और इसमें आपको HDMI वगैरह और USB पोर्ट्स तो मिलने वाले ही है। इसमें आपको गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा का सपोर्ट भी मिलने वाला है। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली टेक न्यूज की तरफ। तो अगली टेक न्यूज हमारी आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग के नए लैपटॉप सैमसंग गैलेक्सी बुक गो, सैमसंग गैलेक्सी बुक प्रो और सैमसंग गैलेक्सी बुक प्रो 360 लॉन्च होने से पहले इनकी वीडियो लीक हो गई है। अगर प्रोसेसर वगैरह की बात करें तो इनमें आपको स्नैपड्रैगन 7C और स्नैपड्रैगन 8CX 5G मिलने वाले हैं। अगर स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको 4GB रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी। अगर सैमसंग गैलेक्सी बुक गो की बात करें, वहीं अगर दूसरे मॉडल की बात करें जिसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8CX प्रोसेसर मिलने वाला है, उसमें आपको मिलने वाली 8GB की LPDDR4X रैम 256GB स्टोरेज के साथ। अगर लॉन्च की बात करें तो हमारे सैमसंग गैलेक्सी अनपैक इवेंट जो 28 अप्रैल को होने वाला है उसमें आपको ये दिखने मिल रहे हैं। अगर कुछ और स्पेसिफिकेशन की बात करें तो हमारे अगर गैलेक्सी बुक प्रो आपको 13 इंच में मिलेगा और गैलेक्सी बुक प्रो 360 आपको 15 इंच में मिलने वाला है। अगर गैलेक्सी बुक प्रो 360 की बात करें तो ये हमारा कन्वर्टेबल लैपटॉप है, इसमें आपको टच स्क्रीन देखने को मिल जाती है, एस पेन का सपोर्ट दिया हुआ है, फुल साइज कीबोर्ड मिल जाता है, 3 USB Type-C के पोर्ट दिए हुए हैं, माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट मिल जाता है, हेडफोन जैक भी दिया हुआ है। वहीं अगर गैलेक्सी बुक प्रो की बात करें तो इसमें आपको 2 USB Type-C पोर्ट मिलते हैं और 1 USB Type-A पोर्ट भी मिल जाता है। इसमें आपको HDMI पोर्ट भी दिया हुआ है और हेडफोन जैक भी मिल जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली टेक न्यूज़ की तरफ। तो अगली टेक न्यूज़ आ रही है उन लोगों के लिए जिनके पास
वीवो का नया स्मार्टफोन वीवो S1 Pro, वीवो Z1 Pro और वीवो Z1 X है। इनमें से कोई सा भी स्मार्टफोन है तो आपको मिलने वाला है Android 11 बेस्ड फ्रंट टच OS 11 का अपडेट। ये अपडेट रोल आउट होना शुरू हो गया है, सो आप सेटिंग्स में जाइए और चेक करिए आपको अपडेट मिला है या नहीं, और अगर मिला है तो जाके अपने स्मार्टफोन को अपडेट कर लीजिए। इसके साथ बढ़ते हैं अपनी अगली टेक न्यूज़ की तरफ। तो अगली टेक न्यूज़ आ रही है हमारे रियलमी की तरफ से। सो रियलमी की क्यू सीरीज़ के नए स्मार्टफोन Q3, Q3 Pro और Q3 i लॉन्च हो गए हैं चाइना में। अगर इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इनमें आपको मिलने वाला है, अगर Q3 के स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं पहले, तो इसमें आपको मिलेगा 6.5 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले, जिसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलने वाला है, 90.5% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलने वाला है। अगर प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर भी मिलने वाला है। कैमरे की बात करें तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। प्राइमरी कैमरा दिया है 48 मेगापिक्सल, एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस भी इसमें दिया हुआ है। सामने की तरफ देखें तो इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी मिल जाता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें आपको डुअल 5G मोड भी मिल जाता है। स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं रियलमी Q3 Pro की, तो इसमें आपको 6.43 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले मिल जाती है। इसमें भी आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलने वाले, 91.7% स्क्रीन टू बॉडी रेशो मिल जाता है। अगर प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे आपको MediaTek की तरफ से आने वाला MediaTek Dimensity 1100 प्रोसेसर मिल जाएगा, 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ। अगर कैमरे की बात करें तो कैमरा सेम ही है, इसमें आपको प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल देखने को मिल जाता है। वहीं अगर बैटरी की तरफ देखें तो इसमें आपको 4500 mAh की बैटरी मिल जाती है और इसमें आपको 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया हुआ है। अगर रियलमी Q3i के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें आपको सेम डिस्प्ले मिल जाती है जो Realme Q3 में आती है। इसमें आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, MediaTek Dimensity 700 SoC मिल जाएगा, 6GB और 128GB तक के इसमें ऑप्शन मिल जाएंगे। ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया है जिसमें आपको प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का दिया हुआ है, एक मोनोक्रोम सेंसर मिल जाता है और इसमें आपको एक मैक्रो लेंस भी दिया हुआ है। सेल्फी कैमरा की अभी डिटेल्स निकल के नहीं आई है, बाकी इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है 18 वोट की फास्ट चार्जिंग के साथ। सो गाइज, यही थी आज की टेक न्यूज। आपको ये टेक न्यूज कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, अगर अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर बताइएगा। यही था इस वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।